नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद् गीता के अध्याय 1 के तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। पश्यताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीम् जमुम यूढ़ाम् द्रुपदा पुत्रेणम् तवा शिष्येनेहा धीमता। हे आचार्य, द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए पांडवों के पुत्रों अर्थात पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय युद्ध भूमि की जानकारी दे रहे हैं। धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद के पुत्र हैं, जो पांडवों की सेना के सेनापति हैं, जिन्होंने बड़ी कुशलता से सेना को खड़ा किया है, अर्थात धृष्टद्युम्न एक कुशल योद्धा है। गुरु द्रोणाचार्य महान गुरु थे, जिन्होंने कई वीर योद्धाओं को प्रशिक्षित किया। बाद में गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध में अपने ही शिष्यों का सामना करना पड़ा। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छा योद्धा या नेता बनने के लिए योद्धा को बुद्धिमान और कुशल होना जरूरी है। अगर हमने जीवन में कुछ भी अच्छा हासिल किया है तो काफी हद तक हमारे गुरु के मार्गदर्शन अर्थात हमारे गुरु ने हमारा किस प्रकार से मार्गदर्शन किया है, इस बात पर निर्भर करता है। धन्यवाद। राधे राधे।